हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीत की हेल्दी रसोई में। तो आज मीत की रसोई में बनने जा रहे हैं पकोड़े। हम बैंगन के पकोड़े बनाएंगे। जैसे कि आज सुबह से बारिश लगी हुई है, रोज़ मौसम ऐसा हो जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है। तो मैंने सोचा चलो आज पकोड़े बनाते हैं। तो आज हम बैंगन के पकोड़े बनाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी मेरी जो नई वीडियो आती है आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं बैंगन के पकोड़े। ये मेरे गार्डन में, मेरा किचन गार्डन है, वहाँ मैंने सब्जियाँ लगाई हुई हैं। बैंगन मैं बाज़ार से नहीं खरीदती, कि कहते हैं कि स्प्रे करते हैं दवाइयाँ केमिकल्स, तो वो सीधा इसके अंदर जाता है, क्योंकि इसका बैंगन का हम छिलका नहीं उतारते। तो ये देखिए, ये मेरे गार्डन का बैंगन है, फ्रेश मैंने तोड़ा है। तो मैं एक ही बैंगन मैंने लिया है, दो जनों के लिए पकोड़े मुझे चाहिए तो वो सफिशेंट होंगे। तो बैंगन को हमने धो लिया है अच्छे से, और ऐसे गोल गोल चकलियों में मैं बैंगन को काट लूँगी। देखिए, ना वो पतला हो ना मोटा हो, ठीक होना चाहिए। आधे इंच का पीस गोल गोल आप काटते जाइए। ये देखिए, मैंने ये बैंगन को काट लिया है। अब इसको पे मैं नमक और लाल मिर्च लगा के इसको मैरिनेट कर लूँगी, नमक और लाल मिर्च, ताकि जो बैंगन का पकौड़ा है वो अंदर से फीका ना लगे। तो अच्छे से बैंगन और लाल मिर्च मैं दोनों तरफ लगा लूँगी, इससे ये फीका अंदर से नहीं लगेगा, अंदर तक इसमें नमक मिर्च होगा। तो ये मैंने नमक मिर्च लगा दिया है, लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च रख सकते हैं, तीखा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्ची लगा सकते हैं, नमक जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो चलिए, अब जो हमने बेसन का घोल बनाना है, जिसमें कि बेसन के पकोड़े हम तलेंगे, तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले मैं देखिए, एक इन्ग्रीडियंट है जो मैं डालती हूँ बेसन के घोल में, जिससे कि टेस्ट पकोड़ों का और ज़्यादा हो जाता है, वो है लहसुन की 5-6 तुरियाँ, जिसमें मैंने 3-4 चम्मच पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी, और इसको छान के फिर मैं बेसन के घोल में डालूँगी। ग्राइंड करेंगे और उसमें पानी डालेंगे, और देखना मैं ऐसे हाथ रख के उसको छान लेती हूँ, और जो लहसुन का पानी है वो बेसन के घोल में डालूँगी। ये 3 कड़छी, छोटी कड़छी मैंने बेसन लिया है, ये 1.5 कप के करीब हो गया। तो इसमें डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे नमक, ये मैंने 1 चम्मच, छोटा चम्मच नमक डाला है। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच मैंने मिर्च डाली है, लाल मिर्च आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसमें मैं आधा चम्मच ही मैं अजवाइन डालूँगी, मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। और इसके बाद जो हमने लहसुन थोड़ा सा पानी डाल के, देखिए, ग्राइंड किया था, ये ऐसे अपने हाथ पे डाल के इसको अच्छे से निचोड़ लें। लहसुन का पानी इसमें डालने से बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं। अच्छे से इसमें पानी थोड़ा और डालें, मिक्स करें, और आप लहसुन के सत को अच्छे से निकाल लें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप भी ज़रूर ऐसा करके देखें। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और जो बेसन है उसका घोल बना लेंगे। जो बेसन का घोल है वो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। उसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैं अभी दिखाती हूँ कैसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो। थोड़ा थोड़ा पानी आपने डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना। अच्छे से उसको घोल लें, ताकि उसमें गुठलियाँ ना रहें, बेसन की गुठलियाँ ना बन जाएं। अच्छे से ऐसे बीट कर लें, ताकि नमक, मिर्च, अजवाइन और लहसुन का जो पानी हमने डाला है वो अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए, हमारा जो घोल है बन के तैयार हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, देखिए, ना ये गाढ़ा है ना पतला है। और जो बैंगन हमने नमक और लाल मिर्च लगा के रखे थे,
ये मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है और जो घी है वो गर्म हो चुका है। हमारा बेसन भी तैयार है और बैंगन भी हमने नमक मिर्च लगा के रखे हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पकौड़े बनाना। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और ऐसे एक एक करके हम बेसन में डिप करके बैंगन इसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे। और जो आंच है अपने मीडियम रखनी है, बहुत लो या बहुत हाई पे नहीं रखना। आप मीडियम आंच रखें ताकि जो पकोड़े हैं वो जलें भी ना और क्रिस्पी भी हो जाएं। तो ये हमने पकोड़े डाल दिए हैं। जैसे ही एक तरफ से सिकेंगे हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये बैंगन के पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप कोई भी चटनी इसके साथ बना के उसके साथ सर्व कर सकते हैं। लाइट सा खाना बनाइए, जैसे दाल चावल बनाए हैं तो साथ में पकोड़े बना लिए तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। ये देखिए मैंने पलट दिए हैं, एक तरफ से सिक चुके हैं अच्छे से, दूसरी तरफ से भी सिकने वाले हैं, बस ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं पकोड़े। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हैं। ऐसे ही जब निकालें तो छलनी को आप ऐसे कढ़ाई के साथ लगाएं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, और जब प्लेट पे निकालें तो कोई टिश्यू पेपर बिछा लें ताकि वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सोख ले। तो हमारे ये पकोड़े बन गए हैं। ऐसे ही हम बाकी सारे पकोड़े भी बना लेंगे। और एक बात और, जब आप एक बार बना के निकाल लेते हैं तो 5 मिनट के लिए ऑयल को फिर से गर्म होने दें, तब दूसरी बार आप तलने के लिए डालें। क्योंकि जब एक बार आपने बना लिए, निकाल दिए, तो वो तेल ठंडा हो जाता है, तो उसको 5 मिनट के लिए दोबारा तेल को गर्म होने दें, उसके बाद आप पकौड़े डालें बनने के लिए। तो ये हमने निकाल लिए हैं। अब हम 2 मिनट वेट करते हैं तेल गर्म हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम बाकी के पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए दिख रहा है कि तेल गर्म हो गया है, हम बाकी के पकौड़े भी ऐसे ही सारे बना के निकाल लेंगे। एक तरफ से हो गए हैं, अब इनको पलट लेंगे हम। तो ये देखिए हमारे ये पकोड़े भी बन के तैयार हैं, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही यम्मी बनते हैं। मुझे तो बैंगन के पकोड़े बहुत ही पसंद आते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो लीजिए हमारे सारे पकोड़े बन के तैयार हैं, यम्मी दिखने में भी लग रहे हैं और रियली में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। ये साथ में मैंने आलू बुखारा की चटनी बनाई है, मीठी नहीं है ये, खट्टी चटनी है, खट्टी और तीखी चटनी है। इसकी रेसिपी भी मैं चैनल पे डालूंगी, आप ज़रूर देखिएगा, और बहुत टेस्टी बनती है। और इसका जो टेस्ट है बैंगन के पकौड़ों के साथ बहुत अच्छा आता है, बहुत स्वाद ये चटनी बनती है। तो चलिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। अगली नई रेसिपी लेके फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।